तो वैसे मैं पहले इस तरफ में आया तो था बट मुझे मालूम नहीं है कि आखिरकार इस जगह के अंदर क्या है ओ भाई साहब यहाँ तो पूरे को पूरे स्विमिंग पूल है चलो यार यहाँ पर जो बंदे स्विमिंग कर रहे हैं ना इनसे मजे लेते हैं मेरे पास एक बो है फटाफट से ना मैं इसके एक बार बजा के देखता हूँ इसके लगती है नहीं ओके ओ मेरा निशाना चुप गया आ जा बहुत सही बहुत सही इसको लग रहा है खाने का मन है भाई निशाना कैसे चूक रहा है ओ, भाई बहुत गंदी तरह उसके लगी है आप भी खाओ सर एक आप भी खाओ अपनी पीठ पे भाई सबसे मैंने पंगे ले लिये सारे मिलके मेरे को मारेंगे ना भाई बहुत गंदा मुंह तोड़ेंगे हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं अरे यार ये तो बाथिंग एरिया मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा वहीं से निकलूंगा क्या ओ यहाँ पर कुछ स्टेयर्स है बट ये स्टेयर्स तो ऊपर ही जा रही है यहाँ पर चढ़ने का कोई फायदा नहीं है तो गाइस वैसे उन दो टीचर्स ने मेरे को बहुत गंदी तरह मारा था ना अब टाइम आ चुका है इन लोग से बदला लेने का सामने की तरफ में एक टीचर जा रहा है इसको पकड़ के से मारते हैं इधर आओ सर 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 आपने बहुत गंदी तरह मार था ना मेरे को ओ, भाई ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है सीधा अंदर ही आके गिर गया अटक भाई, भाई, चुका है नहीं निकल ले बेटा मैं ही निकाल देता हूँ भाई, 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 गंदी तरह पड़ रही है।, है जो कि मैंने लिए थे ये क्या? स्टिंक बॉम्ब अच्छा इससे यहाँ पर उसके धुआं हो जाएगा ना नहीं भैया मेरे भी इफेक्ट लग गया जो जो मैंने उसके एरो मारी थी सारी क्या है मार सकता हूँ थ्री टू वन ये मारा ओ भाई 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 ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था ये भाई स्काई में फोड़ने वाले मैंने जमीन पे ही फोड़ डाले और क्या आपने पास पाया एक और बचा हुआ है एक रोप है और ये लाइटर है लाइटर से हम लोग अच्छा लाइटर और स्प्रे का यूज कर सकते हैं और इससे मुझे पता है आग निकलने वाली है ये मैंने रियल लाइफ में भी ट्राई करा करो बट आप लोग मत करना भाई बहुत ज्यादा डेंजरस होता है इसके ऊपर ट्राई करते हैं <laughs> ये तो डर के ही भाग गई भाई हल्के से देख के भाग रहे हैं देखो ये लो भागो भाई 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 भाई। किसी को जलाएं चलेगा नहीं यार इससे बंदा जलेगा नहीं रुक जाओ ये बैड गाय बैड गाय का तो पूरा आज बना देंगे पूरा जलाएंगे भाई दशहरा है आज मजाक कर रहा करो इधर आ इधर आ अबे चश्मिश तू क्यों नहीं भाग रहा हेलो हेलो नर्सरी फेल एक जादू दिखाऊं तेरे को मैं डरेगा तो नहीं थ्री टू वन भागो अबे अबे कोई तो भागा ही ही नहीं हेलो स्प्रे मार रहा मैं तेरे मुंह पे गधे अबे इसको फर्क एक सेकंड रुक जाओ अंदर फायर एक्सटिंग्विशर था ना वो लेकर आता हूँ क्या पता इसको उससे फर्क पड़े वैसे नर्सरी फेल बोल रहा हूँ ये तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक बैठ गया ऐसे फर्क ही नहीं पड़ रहा इन सब चीजों से ये लेकर चलते हैं उसके मुंह पे पड़ेगा ना धुआं तब इसके कल ठिकाने आएगी थ्रे टू वन ले भर के खाए से अबे 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 भाई साहब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कोई एक सेकंड रुक जाओ अभी इसका बहुत हो गया अब सबसे खतरनाक वेपन गाइस हमें यूज़ करना पड़ेगा और अगर ये भी नहीं काम करा ना तो भाई मैं बैड गाय नहीं बनूँगा मैं शरीफ गाय बन जाऊंगा उत्तरी भैंस की बंदा ही गायब हो गया भाई एक मिनट <laughs> उसको मैंने यहाँ मारा था उसका कुछ अता पता नहीं है भाई वो कहाँ गया है तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता सीधा टॉप रूफ पर पहुंचने वाला हूँ और ये लो आ गए बाकी यार मुझे वो बच्चा यहाँ छत पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है एक बार थोड़ा सा और आगे चल कर देखते हैं क्या पता है कोने में पड़ा हो अब वो गया कहाँ भाई इतना ज़्यादा खतरनाक रॉकेट था क्या एक टक्कर में बंदा गायब कुछ अता पता ही नहीं है भाई वो गया कहां पर और एक सेकेंड गाइस वो सामने की तरफ में कुछ है मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई वो रॉकेट है एक मिनट रुक जाओ हाँ वहां पर कुछ रॉकेट टाइप बना हुआ है गाइस हम लोग वहां पर चलते हैं और देखते हैं आखिरकार वो क्या चीज है बाकी तो यार हम लोग छत से नॉर्मली कूद के देखिए क्या होने वाला लो भाई कूद कूदगा ओ भाई 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 असली शक्तिमान तो ये है भाई इसको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है बाकी जो बैठ गए है ना इसको हम लोग रस्सी से पकड़ते हैं एक मिनट रुक जाओ ये बहुत ज्यादा बदमाश बन रहा था ना भाई इनको नहीं पकड़ सकते यार इनके ऊपर ऑप्शन ही नहीं आ रहा पकड़ने का किसी नॉर्मल बंदे को तू आई अबे यार इनको पकड़ ले रहे हैं भाई बैड गाइस से या तो हम लोग पंगा ले ही नहीं सकते हैं ऐसा ऑप्शन है तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता उस रॉकेट के पास आ चुका हूँ जो कि मेरे को स्कूल की छत से नजर आ रहा था अबीना जल्दी से चलकर जल हम लोग इसको इसमें अटैच कर देते हैं और भाई ये रॉकेट उड़ गया और साथ के साथ उस बंदे को भी अपने पीछे पीछे ऊपर ले गया है और ये रॉकेट घूम के नीचे नीचे नहीं नहीं नीचे अभी ये तो अपने स्कूल में ही आ गया और ये ब्लास्ट हो गया वहां आके भाई ये क्या था एक मिनट वो रॉकेट नीचे आके ब्लास्ट हो गया वैसे कैसे इधर ना सामने वाले बंदे के घर में एक कार खड़ी हुई है जल्दी से इसके अंदर बैठते और उसको लेकर चलते हैं अभी हम लोग स्कूल में ओके तो भी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और भाई ये कार ना सच्ची में मारुति 800 जैसी लग रही है लेकिन चलने में काफ़ी ज्यादा सही है अभी इसको हम लोग भगा के लेके चलते हैं एक्सीडेंट एक्सीडेंट करेंगे बच्चों का और काफी ज्यादा मजा आएगा भाई इसको ले जाने में तो ओके तो अपने स्कूल के साइड पे था मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ मेरे को अच्छे से याद ओ उस तरफ में गाइस कुछ हॉर्स है मेरे को दिखे हट 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 मेरे को कार नहीं चाहिए वो तो हॉर्स के ऊपर हम लोग बैठ सकते हैं क्या भाई ये तो हॉर्स दो दो खड़े हैं बैठ क्या आपके ऊपर भाई ओह भाई भाई मैं तो बैठ गया हूँ भाई ये तो काफी ज्यादा सुपर फास्ट है ले क्या है ये अब कूदना इतना सही नहीं कूद पा रहा है भाई स्कूल के बच्चे तो टाप के निकल जाए इतनी देर में भाई ये हॉर्स एकदम ही चूरन है बट भाग बहुत ज्यादा तेज रहा है अपनी कार से तो फास्ट चल ही रहा है इसलिए मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ थोड़ा सा आगे और आगे लेकर चलते हैं एंड इस तरफ में गाय कुछ रास्ता खुला हुआ है एक बार हम लोग यहाँ से आगे चुप्बे चिल्लाया जा रहा है अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं नीचे ओ भाई 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 यहाँ से नीचे जाने का रास्ता था और मैं अपने हॉर्स को लेकर पानी में आ चुका हूँ और पानी में ओ का पानी में एक शाक है शाख के पास चले ये क्यों भाई काटे ना मेरे को ओके ई टू इंट्रैक्ट ओ बे तेरी मैंने शाक को ही उठा लिया <laughs> इसको लेके चलते हैं स्कूल में देखते भाई इसका हम लोग क्या ही करेंगे बट यार मैं शाक को स्कूल में ले जाके क्या करूँगा मैं क्या ही सोच रहा हूँ बट फिर भी ले जाते हैं क्या पता बच्चे सरप्राइज हो जाए तो ये रहा अपने स्कूल का एंट्री गेट जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं और शाक को ना बंदों के ऊपर फेंक देते ओ भाई ये तो यार सच्चे में भाई इतनी ज्यादा ताकत है तो बैठ गए बन जाना ओ वो बंदा वापिस आ गया जो जिसको हमने रॉकेट से उड़ाया था भाई तू कहां था यार सॉरी यार सॉरी ये ले शाक से भी पिटअप थ्री टू वन ले अबे इतनी दूर क्यों फेंक दे रहा है बंदा ये खड़ा रुक जाए उसके क्लात बजाते हैं तेरी भाई ये तो अलग ही बट्टू है रुक जाओ इसके ऊपर गाइस अभी हम लोग फायर क्रैकर डालने वाले हैं चल तेरी ओ तेरी भैंस रू फैसकी फायर क्रैकर से तो हमें ज्यादा चोट लग जाती है बट अच्छी बात यह मैं जिंदा हूं वन एच पी अपनी बच गई है शाक भी डांस करने लग गई क्योंकि अरे भाई साहब कौन सा पटाखा फोड़ दिया है इसको छोड़ो यार अभी फिलहाल हम लोग बाहर चलते हैं कार खड़ी थी उसको लेकर आके बंदों को ढोकते हैं शायद इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़े मतलब यार बच्चे ऐसे उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है स्कूल में शाक आ रहे घोड़े आ रहे कुछ भी हो रहा है एक मिनट रुक गया एक मिनट अरे 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 यार गाड़ी बड़ी अलग ये चिपक जाती है तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं इस कार को अपने स्कूल में लेकर आ चुका हूँ और जिन जिन बच्चों को मैं मार रहा हूँ ना उन सभी के पेट में दर्द हो रहा है लो बेटा अब तुम्हारी टांग में भी दर्द होगा ओ भाई सबसे मेरे को पैसा मिल रहा है चलो अब हम लोग अमीर बन जाएंगे हर एक बंदे को पहले मैं मार देता हूं उसके बाद इनका सारा पैसा हम लोग इकट्ठा कर लेंगे तुम भी निकलो वैसे ये मरा नहीं मरा कैसे नहीं मैं चलती रही एक मिनट रुको उसको अच्छे से मारेंगे तो गाई इस गाड़ी से हमने बंदों को बहुत कचर दिया है एक काम करता हूँ इस गाड़ी को अंदर लेकर चलता हूँ की, की तरह उड़ते हुए काफी ज्यादा मजा आ रहा है ले तू भी तो सभी फिलहाल जो बच्चे बाहर घूम रहे थे उन सबके ऊपर तो गाड़ी चढ़ा मैंने उनकी टांगे तोड़ दिया है और अभी मैं और बच्चों को परेशान करने के लिए ऊपर आ चुका हूँ एक सेकेंड यहाँ पर एक कंप्यूटर क्लास है इसके अंदर चलते हैं कुछ शरीफ बच्चे इसके अंदर बैठे हुए है और इसके नाय सभी हम लोग जाने वाले है कस के बो ले निकले ओ भाई भाई, भाई 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 पड़ी इसके एक और खा एक और खा। ऐसे ऐसे नहीं जाने देंगे मैं ऐसे नहीं जाने देंगे निकले ओ भाई भाई भाई, भाई। काफी ज्यादा खतरनाक सा बच्चा है टाइम पर चल जाता ओ भाई वो यहां से सीधे नीचे ही चला गया ओ भाई 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 सीधा नीचे जाके वो गिर चुका है तो भाई यार ये बोना सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक है इसको लेकर चलते हैं और टीचर्स को परेशान करते हैं ये लो सर कैसे हो आप जल्दी से हाल बताओ और अभी फिलहाल मैं एकदम तो फोर्ट की तरह के खेल रहा हूँ इसको <laughs> ऐसे लग रहा है भाई फोर्ट में मैं एरो चला रहा हूँ भाई, भाई 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 दूसरी मैम ने पकड़ लिया जोरी जोरी जोरी, 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 जोरी। भाई साहब सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक गेम है आज तो वो सारे के सारे शौक पूरे कर लिए जो कि हम लोग अपने स्कूल के टाइम पर नहीं कर पाए थे वैसे यार यहाँ पर सच्ची में केमिस्ट्री की काफी ज्यादा खतरनाक क्लास चल रही होगी ये थोड़ा हाई स्कूल का बच्चा है मेरे को तो लग रहा है यो के साथ सभी लोग आज के इस वीडियो में उज्जवल भाई खेल रहा है बैड गाइस एट स्कूल उज्जवल भाई इस गेम में एक स्टूडेंट है जो की बैड बॉय स्टूडेंट है ओके तो गेम स्टार्ट हो चुका है और उज्जवल भाई स्कूल पे आ चुका है स्कूल जाते ही लोगो को मारने लग जाता है और एक बंदे ने तो उज्जवल भाई के पीछे ही पड़ जाता है और तगड़ा वाला लड़ाई हो जाता है और उज्जवल भाई एक मोटा सा लड़का को मार मार के लपेट देता है और उज्जवल भाई स्कूल के अंदर चला जाता है और उज्जवल भाई ने मजे मजे में टीचर का पेंट ही उतर देता है और टीचर उज्जवल भाई के पीछे पड़ जाता है और उज्जवल भाई टीचर से बच के भागता हुआ बास्केटबॉल स्टेडियम में आ जाता है और उज्जवल भाई ने बेमतलब बास्केटबॉल प्लेयर से झगड़ा कर लेता है और वो बंदा भी उज्जवल भाई के पीछे पर जाता है और उज्जवल भाई उस बंदे को बेसबॉल बैट बजा के लपेट देता है और तभी वो टीचर भी आ जाता है जिसका उज्जवल भाई ने पेंट उठार दिया था और टीचर उज्जवल भाई को पकड़ के क्लास रूम में छोड़ देता है तभी फिर से ये वंदा क्लासरूम में आके उज्जवल भाई को मारने लग जाता है और उज्जवल भाई दोबारा से बेसबॉल बैट बजा के लपेट देता है और उज्जवल भाई ऊपर वाली फ्लोर पे आ जाता है और उज्जवल भाई को लॉकर में से एक फायर क्रैकर मिल जाता है और उज्जवल भाई प्रिंसिपल्स ऑफिस रूम में आ जाता है और यहाँ पर वो मोटू बंदा जिसको उज्जवल भाई ने लपेट दिया था वो बंडा भाई के शिकायत करने के लिए आया हुआ है और उज्जवल भाई उसको पायर क्रेकर से उड़ा के मारने वाला था पर बॉम्ब उल्टा भाई पर ही फट जाता है और उज्जवल सीधा पहुंच जाता है मेडिकल यहाँ पर भी उज्जवल भाई रुकने का नाम नहीं लेता उज्जवल भाई एक पेशेंट को ही लेके भाग जाता है और थोड़े आगे जाने के बाद तगड़ा वाला फाइट हो जाता है और उज्जवल भाई म्यूजिक रूम में आ जाता है और उज्ज्वल भाई को म्यूजिक रूम में से एक स्प्रे मिल जाता है और उज्जवल भाई स्प्रे लेके स्कूल से बाहर आ जाता है और उज्ज्वल जल भाई का मिशन था पांच वॉल पे स्प्रे करना और उज्जवल वॉल पे आके स्प्रे कर देता है उज्ज्वल भाई ने पहला स्प्रे तो कर दिया अभी चार वॉल और बाकी है और उज्जवल भाई दूसरा वॉल पे स्प्रे करके अपना चैनल का लोगो ही बना देता है और भाई साइड वाली वॉल में भी सब्सक्राइब टू टेक्नो गेमर्स लिख देता है अगर अभी मेरी तरह उज्ज्वल भाई के सच्चे वाले पेन हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भाई लोग और उज्ज्वल भाई दूसरा वॉल ढूंढता हुआ कैंटीन पे आ जाता है और उज्ज्वल भाई ने बेमतलब कैंटीन स्ट से पंगा ले लेता है बेसबॉल बैट मार के और उस स्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उज्जल भाई को पकड़ लेता है और भाई के पास एक रस्सी था भाई ने पहले यूज नहीं किया था और भाई एक बंदे को रस्सी से पैर में बांध के खींचता हुआ लेके भाग जाता है और भाई स्टोर पे आ जाता है और उज्जवल कुछ कुछ जरूरी सामान लेके स्टोर से बाहर आ जाता है और उज्जवलवाई पायर क्रेकर को चेक कर रहे थे की कि ये कितना ज्यादा दूर तक डेमेज देता है भाई बहुत दूर फेंक देता है और क्रेकर का इफेक्ट भाई पर बहुत तेज लगता है और भाई स्विमिंग पूल में आ जाता है और भाई यहाँ पर भी लोगों को परेशान करने लग जाता है इसके बाद जो हुआ और भाई और भी लोगों को किस तरह से टांग करते हैं वो तो अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख चुका है अगर आप फुल गैफी वीडियो देखना चाहते हो तो फुल गैम्फी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हो, अब जाके देख सकते हैं अगर आप भी मेरी तरह उज्जल वकीय टकरा वाला पेन हो तो हमारे साथ इस चैनल में जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाखंड में प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए